गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, आजमगढ़ में निरुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया, आजमगढ़ रामपुर में घनश्याम जीते। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल की है। उन्होंने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 8,679 वोटों से हराया। दूसरी तरफ दोस्तों रामपुर में भाजपा ने घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आशिम रजा को 42,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। दोस्तों जीत के बाद निरहुआ ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ वासियों, आपने कमाल कर दिया, यह आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सबने भाजपा को प्यार समर्थन और आशीर्वाद दिया, वह उसकी जीत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र घमासान, आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। शिंदे ने राज ठाकरे को फोन कर तबीयत का हाल जाना। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था। उधर दोस्तों एकनाथ शिंदे ने रविवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से फोन पर बातचीत की। उन्होंने राज से उनकी तबीयत का हाल जाना, साथ ही वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी बात की। वहीं दोस्तों आदित्य ठाकरे ने बताया कि एकनाथ शिंदे को 20 मई को ही मुख्यमंत्री बनने का ऑफर उद्धव जी की ओर से दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने बगावत की। बोले, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई, बाला साहेब होते तो जवाब देते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में अयोग्यता नोटिस के खिलाफ बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस के खिलाफ मंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाल की अवकाशकालीन पीठ सोमवार को शिंदे की याचिका पर सुनवाई कर सकती है। बागी विधायकों ने राज्य की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सरकार गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया है। दोस्तों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में शिंदे और बागी विधायकों के राज्य छोड़ने के बाद महाराष्ट्र राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से असम के गुवाहाटी के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। ठाकरे की टीम की अयोग्यता याचिका पर डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति भवन में एक और रबड़ स्टाम्प आया तो विनाशकारी होगा, यशवंत सिन्हा ने कहा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि अगले महीने होने वाला राष्ट्रपति चुनाव व्यक्तिगत मुकाबलों से कहीं अधिक है और सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे एवं भारतीय जनता पार्टी सांसद जयंत सिन्हा का समर्थन नहीं मिलने को लेकर किसी धर्म संकट में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अपने राजधर्म का पालन करेगा और मैं अपने राष्ट्रधर्म का पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महज भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कहीं बढ़कर है। यह चुनाव सरकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करने की दिशा में एक कदम है। यह चुनाव भारत की जनता के लिए संदेश है कि इन नीतियों का विरोध होना चाहिए। भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए आदिवासी समुदाय की नेता द्रौपदी मुर्मू को मुकाबले में उतारने को लेकर सिन्हा ने कहा कि एक व्यक्ति को ऊपर उठाने से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। शिंदे के पास बहुमत पर सत्ता की राह है मुश्किल, शिंदे गुट के 20 विधायक रावत के संपर्क में, महाराष्ट्र आते ही तीतर बीतर होने का है उन्हें डर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामा की जो स्क्रिप्ट गुवाहाटी में बैठकर लिखी जा रही है, उसे सच करना इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक तरफ जहां शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे विधायकों का अखाड़ा पूरा होने का दावा कर रहे हैं, वहीं बागी विधायकों में कुछ के संजय रावत से संपर्क में होने की बात सामने आई है। दरअसल दोस्तों बागी विधायक 4 दिन से गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में है, वहां लगातार बैठकें हो रही है। इनमें शिवसेना के और विधायक तोड़ने की कवायद पर काम हो रहा है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 विधायक हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से 20 विधायक संजय रावत के साथ संपर्क में है। दोस्तों एकनाथ शिंदे इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं कि गुवाहाटी में मौजूद कुछ विधायक महाराष्ट्र जाते ही शिवसेना की गोद में जाकर बैठ सकते हैं। ऐसा होने पर यह सारी कवायद ओंधे मुंह ठीक वैसे ही गिरेगी जैसे अजीत पवार वाले मामले में हुआ था, इसलिए वह शिवसेना के कुछ और विधायकों का इंतजार कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा अग्निपथ पर पुनर्विचार करे सरकार, युवा 3 साल में लौटे तो ब्याह नहीं होगा। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सेना भर्ती की नई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए रविवार को कहा कि सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए। मलिक ने कहा कि 6 माह जवान प्रशिक्षण लेगा, 6 माह की छुट्टी और 3 साल की नौकरी करने के बाद जब वह घर लौट आएगा तो उसका ब्याह भी नहीं होगा। रविवार को यहां खेकड़ा में शिक्षक नेता गजे सिंह थामा की मौत के बाद उनके आवास पर मलिक शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल मलिक ने कहा कि अग्निपथ योजना जवानों के खिलाफ है, यह उनकी उम्मीदों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने किसानों की बात रखी थी और अब जवानों की बात रखते हैं। आप पद से इस्तीफा देकर किसानों और युवाओं के बीच में आकर बैठते और मुखर होते तो ज्यादा असर पड़ता। इस सवाल के जवाब में सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं आप जैसे सलाहकारों के चक्कर में पड़ता तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। फिर उन्होंने आगे कहा कि कुर्सी छोड़ दूंगा 1 मिनट में अगर जिसने मुझे बनाया है वह कह दे तो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तिस्ता सितलवाड़ा को 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ा को और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक के लिए गुजरात पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन दोनों की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 जुलाई तक के लिए रिमांड दी है। दोस्तों अहमदाबाद के घीकाटा स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 11 नवंबर की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सरकारी वकील मितेश अमीन ने बताया कि हमने कोर्ट में दलील शुरू की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का गहन अध्ययन किया गया, जिसके बाद हमने शिकायत पर कार्यवाही की। हमने शिकायत में कोई डील नहीं की। शिकायत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद दर्ज की गई है, इसलिए जांच भी तुरंत होनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले शनिवार को गुजरात एटीएस की टीम ने सितलवाड़ा को हिरासत में लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सितलवाड़ा के खिलाफ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर ने एफआईआर लिखवाई, जिसके बाद एटीएस की टीम मुंबई में उनके घर पर पहुंच गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना सेना को और भी कमजोर करेगी, परमवीर चक्र विजेता ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की नई योजना सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर परमवीर चक्र विजेता ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि सेना को जवानों के साथ ही यंग ऑफिसर्स की भी जरूरत है। ऐसे में सेना के अधिकारियों का कार्यकाल भी 4 साल निर्धारित कर देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि अग्निपथ को लेकर लोग सेना और सरकार दोनों की बहुत तारीफ कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह सरकार की तो ही योजना है, तो जाहिर सी बात है कि वो तारीफ करेंगे। और जो सैन्य अधिकारी हैं, वर्दीधारी हैं, कहीं ना कहीं उनके दबाव में आकर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन सबके दिल के अंदर दर्द है जिसको महसूस कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब से 1947 से लेकर 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए हैं, उनमें जो सेना होती है वह दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वह मरने के लिए। सारे युद्ध का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि युद्ध में यंग होने से कहीं ज्यादा जरूरत अनुभवी होने की होती है। अभी हाल ही में कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने यंग ऑफिसर्स कैसे मारे गए। यंग ऑफिसर्स जो होते हैं उनके पास जो जोश और जुनून होता है, उनके पास अनुभव नहीं होता। आज हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं, इससे भविष्य में सेना कमजोर होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के खिलाफ पटना में फिर भड़क सकती है हिंसा और उपद्रव। आईबी के अलर्ट के बाद पटना पुलिस भी हुई चौकस। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर बिहार की राजधानी पटना में उपद्रवी फिर से हंगामा और तोड़फोड़ कर सकते हैं। आईबी के द्वारा इस बात की आशंका जाहिर की गई है। आईबी ने अपने अलर्ट में कहा है कि पटना में उपद्रव होने की आशंका है। आईबी के अलर्ट के बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी थानों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। इसके बाद शनिवार की रात से पटना में CTSP के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल, पटेल छात्रावास और सैयदपुर छात्रावास में एक साथ छापेमारी की गई। पटना पुलिस ने रविवार को भी कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस की इस टीम में जिला पुलिस बल के अलावा बिहार सैन्य पुलिस के जवान भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर का हुआ निधन, अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे रणदीप हुड्डा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की कोट कलाकपत जेल में शहीद हुए बलिदान सरबजीत सिंह की बहन बीबी दलबीर सिंह कौर अटवाल का निधन हो गया है। दलबीर ने शनिवार की रात को अमृतसर के निजी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार रविवार को भिक्कीविंड में किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने पहुंचकर परिवार के साथ हमदर्दी जताई और दलबीर को अंतिम विदाई दी।
दोस्तों साल 2016 में डायरेक्टर उमंग कुमार ने सरबजीत की जिंदगी पर फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में लीड रोल रणदीप हुड्डा ने निभाया था। उनकी बहन दलबीर कौर के रोल में ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आई थी। फिल्म में ऋचा चड्ढा और दर्शन कुमार जैसे बढ़िया एक्टर्स ने सपोर्ट रोल्स निभाए। इस फिल्म के खूब चर्चे थे और रणदीप के सरबजीत के रूप में ढलने की भी तारीफ हुई थी। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म सरबजीत ने कमाल करके दिखाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का हमला तेज, सरकार से की वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमला तेज करते हुए रविवार को कहा कि मोदी सरकार सेना में भर्ती की यह नई योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है और उसे तुगलकी फरमान वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के 20 वरिष्ठ नेता और प्रवक्ताओं ने कई शहरों में संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित किया, जिसका शीर्षक अग्निपथ की बात युवाओं के साथ विश्वासघात था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे और युवाओं के बीच असंतोष का हवाला देते हुए योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि वह बिना विचार विमर्श के थोपी गई युवा विरोधी व राष्ट्र विरोधी योजना के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पार्टी प्रवक्ता शक्ति सिंह गाहिल ने कहा कि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते वे कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी है और इस तुगलकी फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। गोयल ने कहा कि ऐसे समय में जब चीन हमारी सीमाओं में घुस आया है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में दोस्त से मिलने जा रही एमपी की महिला को वाघा सीमा पर रोका। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए दोस्त बने एक व्यक्ति से मिलने के लिए पाकिस्तान जा रही मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली 24 वर्षीय एक महिला को यहां उसके रिश्तेदार की शिकायत के बाद जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर अटारी वाघा सीमा पर रोक लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि यह महिला 14 जून को घर से निकली थी और उसके परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि उन्हें अज्ञात नंबरों से फोन आ रहे थे। जांच में पता चला कि ये फोन नंबर पाकिस्तान के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जांच में पाया गया है कि महिला ने अपने रिश्तेदारों की जानकारी के बिना पासपोर्ट प्राप्त किया। पासपोर्ट के बारे में पता चलने के बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया और महिला को अटारी वाघा सीमा पर रोक दिया गया। यहां से एक टीम शनिवार को पंजाब पहुंची और महिला को वापस ला रही है। दोस्तों पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला ने पहले परिवार के सदस्यों को बताया था कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी दोस्ती एक पाकिस्तानी व्यक्ति से हुई है जो प्यार में बदल गई और वह उनसे मिलने जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, YouTube से हटाया सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गाना, फैंस का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के YouTube चैनल पर उनका आखिरी गाना SYL रिलीज किया गया था। रिलीज होने से पहले भी ये गाना काफी सुर्खियां बटोर रहा था। सिद्धू मूसेवाला का ये गाना सतलज यमुना लिंक नहर पर आधारित है। इस गाने में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर चल रहे विवाद को दिखाया गया था। 23 जून को इस गाने को यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, लेकिन महज 3 दिन के अंदर ही यूट्यूब ने इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल गाने के वीडियो लिंक पर क्लिक करने पर देखने वाला एक मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि सरकार की कानूनी शिकायत के कारण ये कंटेंट इस देश के डोमेन पर उपलब्ध नहीं है। AIN में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने में अविभाजित पंजाब समेत 1984 के सिख विरोधी दंगे और किसानों के विरोध के बारे में बात की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NDA की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में अब तक बिजली नहीं, अब सरकार कर रही है यह काम। जी हां दोस्तों, NDA की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होने के बाद लोग उनके पारिवारिक जीवन और राजनीतिक सफर के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों उनके गांव से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है। दरअसल दोस्तों देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। इस बीच NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में ओडिशा की सरकार ने बिजली के खंभे लगवाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द इस गांव के लोगों को बिजली मुहैया करवाई जा सके। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के गांव वालों की उम्मीदें बढ़ गई है कि अगर उनकी बेटी देश के सबसे बड़े पद पर बैठेगी तो उनके गांव की हालत पूरी तरह बदल जाएगी, यानी कि उनके भी अच्छे दिन आ जाएंगे, जिसका इंतजार वो लोग देश को आजादी मिलने के बाद से कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के उमरबेड़ा गांव में हुआ, जबकि 3,500 की आबादी वाले इस गांव में कुल 2 टोले हैं, बड़ा शाही और दूसरा डूंगरी शाही। बड़ा शाही में तो थोड़ी बहुत देर बिजली आ जाती है क्योंकि वहां बिजली का खंबा लगा है, वहीं दूसरी ओर डूंगरी शाही आज भी अंधेरे में डूबा है। यहां के लोग केरोसिन तेल से रात का अंधेरा भगाते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए 1 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
घरेलू क्रिकेट का नया बादशाह बना मध्य प्रदेश, पहली बार रणजी का खिताब जीता, फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराया। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नया चैंपियन मिल गया है। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। पिछले कुछ सालों में देश में एक के बाद एक नई शक्तिशाली टीमें उभर कर सामने आ रही है। एमपी की खिताबी जीत भी इस फैक्ट की तस्दीक करती है। दोस्तों 2014 से 15 के बीच अब तक 8 सीजन में 6 अलग अलग टीमों ने खिताब जीते हैं। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला था, जिसे उसने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश, नौकर ही बेडरूम में लगा रहा था खुफिया कैमरा, सिक्योरिटी टीम ने किया अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की अफवाहों के बीच उनकी जासूसी की कोशिश की गई। बनीगाला का एक कर्मचारी खान के कमरे में एक स्पाई डिवाइस खुफिया कैमरा लगाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इस कर्मचारी को पूर्व प्रधानमंत्री के बेडरूम में डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि एक दूसरे कर्मचारी ने इसकी सूचना खान की सिक्योरिटी टीम को दे दी। इसके बाद जासूसी की कोशिश नाकाम कर दी गई। बनीगाला सिक्योरिटीज टीम ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की जासूसी करने की कोशिश की सूचना मिलने पर कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी टीम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों रांची के मोहराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि 15 अगस्त तक झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करूंगा। उन्होंने कहा कि आज रांची में पेंशन जय घोष महासम्मेलन में आप सभी की उम्मीद का नांद मेरे कानों में गूंज रहा है। आपकी झारखंडी सरकार सभी वर्गों के सामाजिक सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। दोस्तों सीएम ने कहा कि आपकी झारखंडी सरकार एक एक कर सभी वर्गों के संघर्ष को सम्मान दे रही है। आपने देखा, बरसों से संघर्ष करने वाले पारा शिक्षकों को हमने सम्मान दिया। दशकों से खाली पड़े पदों को सरकार द्वारा भरा जा रहा है। आप सभी सरकारी कर्मी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। आपके अधिकारों की रक्षा होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीयूष गोयल का दावा, अगले 30 साल में 30,000 अरब डॉलर की हो जाएगी भारत की इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके आगामी 30 सालों में बढ़कर 30,000 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि भारत प्रतिवर्ष 8% की चक्रीय सालाना वृद्धि दर से बढ़ता है तो करीब 9 साल में अर्थव्यवस्था का आकार दुगना हो जाएगा। गोयल ने कहा कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3,200 अरब डॉलर है और आज से लगभग 9 साल में इसके 6,500 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि उसके 9 साल बाद यानी कि 18 साल बाद अर्थव्यवस्था 13,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। उसके भी बाद 9 साल बाद यानी कि आज से 27 साल बाद 26,000 डॉलर की हो जाएगी। इस तरह 30 साल में अर्थव्यवस्था 30,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में कांग्रेस और भाजपा के समर्थकों के बीच झड़प, प्रदेश कांग्रेस कमेटी समेत 19 लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस भवन के सामने रविवार को यहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख बीरजीत सिन्हा समेत कम से कम 19 लोग घायल हो गए। राज्य में विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, त्रिपुरा में 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेटफ्लिक्स ने दिया कर्मचारियों को झटका, 2 महीने में दूसरी बार ही सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी। जी हां दोस्तों, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 2 महीने के अंदर दूसरी बार एक साथ कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों कंपनी ने हाल ही में कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। कंपनी ने ये कटौती कई सारे बिजनेस फंक्शन में की है, जिनमें ज्यादातर नौकरियां अमेरिका में की गई।
दोस्तों नेटफ्लिक्स ने इससे पहले मई में भी ऐसी ही एक छटनी को अंजाम दिया था। उस समय कंपनी ने 150 कर्मचारियों और दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम कर्मचारियों को भी निकाला था। नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में करीब 11,000 कर्मचारियों को नौकरी देता है। दोस्तों नेटफ्लिक्स ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इस साल छटनी के और दौर आएंगे। फिलहाल मुश्किलों से घिरा नेटफ्लिक्स अपने स्टाफ वैल्यू को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मई में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में नेटफ्लिक्स के 2,00,000 से अधिक पेड सब्सक्राइबर्स में कमी आई थी। यह कंपनी के लिए 10 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर कौन से राज्य में है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।